हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज जो है दिन में मैं सो गई थी और जो है फिर अपना जो है और रूटीन काम करते हुए शाम के टाइम, मतलब रात होने ही वाली है और मुझे मेरे कपड़ों का बिल्कुल भी होश नहीं। और अब जो है मैं कपड़े निकालने आई हूँ ऊपर, और जो है ये देखिए दिन में मैंने कपड़े अपड़े धोए थे और इनको निकालना जो है भूल गई। बच्चे भी छत पे, धूप इतनी होती छत पे आते नहीं है, और शाम के टाइम पे भी बच्चे बाहर मतलब छत पे आना पसंद नहीं करते। तो कपड़े मैं अब इतनी देर हो गई कि चलो मैं इनका निकाल लाती हूँ फटाफट, फिर खाने पीने के काम को लगूँगी। तो ये मैं सब कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि दिन में जो है ना, मैं थोड़ा सा देर में डालती हूँ कपड़े। सुबह के टाइम सारा और काम निपटो के फिर 1:30 बजे करीबन डाल देती हूँ। तो अब इस टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, वो तो पता नहीं कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी मुझे, तब देखा तो कपड़े ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो फिर कपड़े निकाल लाती हूँ ऊपर से। देखो हमारी बंदरिया भी मेरे साथ ऊपर ही गई हुई थी छत पे, और अब देखिए डर तो लगता ही है। और आजकल तो कुछ प्रॉब्लम भी ऐसे ही हो रही है कि जो है हर तरीके से ध्यान से जाना पड़ता है, जीने में भी बहुत डर लगता है। कहीं पैर वैर स्लिप कर गया या फिर साड़ी वाड़ी पहनने की आदत तो सारी ख़त्म ही हो गई है। तो अब मैंने इनका हाथों हाथ इन्हें कपड़ों को तय लगा दूँ, नहीं तो फिर ये सब इधर उधर बिखरे रहेंगे। तो जो जहाँ पर रखने हैं वहाँ रखने के, क्योंकि मैंने छोटे मोटे कपड़े टांगने के लिए बैग लगा रखे हैं, क्योंकि बार बार का जो मेरे सेफ है ना वो मम्मी के कमरे में है, तो बार बार वहाँ जाना, बार बार वहाँ से कपड़े निकालना। अच्छा, अलमारी में एक चीज़ डाल दो और एक चीज़ दूसरी चीज़ को निकालने के लिए अगर जैसे हम ढूंढते हैं ना, तो चार चीज़ मतलब नीचे आके गिरती है, क्योंकि अलमारी भी एक ही है। और देख, आपको सबको पता है कि आज के टाइम पे वैसे कपड़े होते नहीं हैं और वैसे कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। अब वो टाइम भी नहीं रह गया कि कॉटन के कपड़े हैं चलो किसी चीज़ में सफाई में काम आ जाएं, किसी चीज़ में काम आ जाएं, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो कपड़ा सीधा ऐसा जो इस तरीके का कपड़ा है आज के टाइम में, कि वो फटता नहीं है। तो वो अब फटेगा नहीं तो वो कहाँ जाएगा, या तो किसी को दे दो, और या फिर और आज के टाइम में देने का भी धरवर नहीं है किसी को कि हाँ चलो हम उसको कपड़े देंगे तो वही हमारे कपड़ों को जो है पहन लेगा। आजकल सभी के पास इतने कपड़ा हो गया कि बहुत ज़्यादा। हम तो उस समय को याद करते हैं जब हमारी मम्मी वगैरह के पास एक ही साड़ी होती थी, बेचारी उस दिन उसको पहनती थी, उस दिन ये रहता था कि कब सूखेगी और हम कब इसे पहने। तो आज देखो, आज तो सभी के घरों में ढेर लगा पड़ा है। खुद हमारी मम्मी के पास इतने कपड़े हैं कि कुछ मतलब वो ही नहीं रहता कि हाँ पहनना ही, मतलब पहनने के लिए दिन कम है, साड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं। तो उस समय आज काफ़ी समय बदल गया है। तो अब तो सभी के पास, कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास मतलब आज कह दो कि हाँ ये चीज़ नहीं है या ये चीज़ का वो है। तो अब स्कूल वगैरह हम लोग जाते हैं तो हमारे प्यून वगैरह हैं या फिर कोई और बच्चे वगैरह में से कोई परिवार गरीब है तो मैं तो उनको दे देती हूँ, और तो मैं किसी को नहीं देती हूँ। फेरी वाले ये इधर उधर वाले इनको मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के कपड़े भी हर किसी को नहीं देती हूँ। जो कोई अच्छा परिवार होता है, गरीब होता है भले, अगर पहन लेता है और पहन भी लेते हैं जिन लोगों को हम देते हैं, तो वो लोग बड़े उसे पहनते हैं तो अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो हमने उनको ये चीज़ दी है, तो वो लोग उसे खुश होकर पहन लेते हैं तो अच्छा लगता है। अब हमने उसे किसी को कोई चीज़ दी है और वो जो है उसको ऐसा मतलब नाक टड़ाके करे कि हाँ जी हाँ हमें तो कपड़ा दे दिया, हमें पुराने कपड़े दे दिए, तो फिर वो अच्छा सा नहीं लगता है। तो अब कपड़ों की लगा रही हूँ तय, ये जो है मैक्सी वगैरह ये मेरे रात में काम आती है, क्योंकि नींद नहीं आती है कपड़ों में। कितने ही कपड़े आप पहन लो लेकिन जब तक आप खुले कपड़े नहीं पहनोगे ना तो आपको नींद ही नहीं आएगी। मुझे तो खास तौर से मेरे साथ तो यही होता है, मैं जब बाहर कहीं जाती हूँ ना बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो इसी वजह से ये टी शर्ट लोअर वगैरह इनको भी पहन लो, लेकिन मुझे इनमें भी बंधक सी महसूस होती है। लेकिन जब मुझे रिलैक्स की नींद तभी आती है जब मैं गाउन पहनती हूँ अपना। तो अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो अच्छा सा भी नहीं लगता, इसलिए बहुत पहनती हूँ लेकिन बहुत कम ही पहनती हूँ गाउन वगैरह तो मेरा। तो अब मैं इन कपड़ों को रख देती हूँ जो बैग में रखने वाले हैं, क्योंकि रोज़ मैं जो अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं ये सारे बैग में डाल देती हूँ मैं, क्योंकि आसानी से मिलते नहीं है, इधर उधर डाल दिए तो फिर गड़बड़ होती है। तो मैंने कहा चलो अब इनको जो है जो जगह जहाँ पर रखने की है वहाँ पर रख देती हूँ। तो देख रही थी मैंने कि यहाँ पर रखने की स्पेस है या नहीं है। अब जो कपड़े यहाँ रखने हैं इनको डाल देती हूँ मैं बैग में, क्योंकि ये वही वाली ये रोज़ के कपड़े चाहिए होते हैं, तो अभी इन्हें वहाँ जाकर रख के आओ फिर इतना टाइम भी वेस्ट करो और फिर ये मिलते भी नहीं है। उसके साथ में ये है कि हमारे और भी 2-4 कपड़े और मतलब बिखर जाते हैं। तो इनके लिए तो मैंने कमरे में ही बैग बनाया हुआ है। पहले तो ऐसे रख देती थी मैं मेज के ऊपर,
लेकिन वही है, कभी बच्चे चार्जर ढूंढ रहे हैं, कभी कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी एक कपड़ा गिरा रहे हैं, कभी दूसरा कपड़ा गिरा रहे हैं। बस बच्चे घर के अंदर होते हैं ना तो यही इनका रहता है। अब यह कि हाँ स्कूल गए हैं सुबह शाम को आ रहे हैं तो भी थके पड़े होते हैं ये भी, तो ये भी एक लिमिट में बैठते हैं, लिमिट में उठते हैं। अब तो यह है कि ये दंगा रहता है 24 घंटे। इतना मेरे तो बच्चे भी बड़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी इतना हल्ला करते हैं ये, पूरा दिन भर इनका लड़ने का काम ही ख़त्म नहीं होता 24 घंटे। मैं यहाँ वीडियो एडिटिंग करती रहूँगी तब भी इनका यही हल्ला गुल्ला रहता है, कितना डांटना पड़ता है कि चुप हो जाओ, यही हो जाओ। बनाते वक्त भी होता है कई बार काटना भी पड़ता है, ऐसे ऐसे सीन डाल मतलब ऐसे ऐसे वो करते हैं शैतानियाँ। तो इनका लगे हाथ जो है अपनी साड़ी को भी टांग दो, अगर अभी यहाँ रखी रहेगी थोड़ी देर में उसकी तह वह खुल जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जो है लगे हाथ में इसको भी साड़ी को भी उसमें लगा देती हूँ हैंगर में, और फिर मेरा यहाँ कपड़ों वपड़ों का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है छोटा सा, ये आलाई सा था, ये अलमारी तो नहीं है, बस इसमें बस ये हमने एक रोड से फिट कर दी है। और मैंने दिखाया था आपको पिछले ब्लॉग में अपने कि हमने बस ये रोड फिट करी थी, और फिट करने के बाद हमने कोशिश करी कि यहाँ हमारे डेली के कपड़े टंग जाएँ और डेली की चीज़ें वो हो जाएँ। तो जो है इसी वजह से यहाँ पर करा, तो ये जो है फिक्स हो गया यहाँ पर। अच्छा भी लग रहा है, और सुबह के टाइम पर जैसे नहा धो के अपना आते हैं तो कपड़े भी आसानी से मिल जाते हैं, तो सही लग रहा है। मतलब काम हमारा जो है हमने किया तो सक्सेस हो गया, तो बढ़िया बढ़िया बात है। उसके बाद जो है मैंने कहा चलो गाने वाने भी सुन लेती हूँ, और ये घिया उस दिन तो बनाया नहीं, तो उस दिन तो कुछ और ही बना लिया था, तो अब ये आज ये घिया है, मैंने कहा इसे बना लेती हूँ, नहीं तो ये जो है बेकार हो जाएगा। और फिर बेकार हो जाएगा तो फिर देखो, फिर इतनी महंगी सब्ज़ी हो रही है, सब्ज़ी महंगी इतनी हो रही है, फिर उसके बाद फिर बेकार जाए फिर उसका क्या फ़ायदा है। तो मैं जो है गाने वाने भी सुन रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो है, क्योंकि आजकल तो गाने सुनने का टाइम ही नहीं, जब से हम लोग ब्लॉग बनाने लगे हैं तब से तो इतना टाइम होता ही नहीं है। बस ये टाइम होता है कि हाँ हम सब्जी वब्जी काट रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तब जो है तब हम थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। तो बेटे ने कहा कि चलो ब्लॉग ही हम बना लेते हैं उस चीज़ का, तो उसने वीडियो शूट करने लगा। तो ये देखिए इसको ना थोड़ा सा, ये काफ़ी इसको कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए लाए हुए, तो इस बेचारे का नंबर आ जा रहा है। तो अब ये थोड़ा सा थोड़ा ना, उस टाइम तो बिल्कुल ताज़ा था, अब थोड़ा सा ये बेचारा 2-4 दिन तो उसे मेरे घर में ही हो गए, पता नहीं बाजार में कितने दिन हो गए होंगे ऐसे, तो थोड़ा सा टाइट सा हो गया। तो इसमें कहा इसे काट लेती हूँ अच्छे से, और इसमें पहले सोच रही थी कि इसमें एक आलू डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं क्या पता अगर बच्चों ने नहीं खाया तो फिर ये सब मुझे ही खाना पड़ेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इतना ही बना लेती हूँ। और दही वगैरह तो है ही साथ में, और जो भी हम थोड़ी बहुत सब्ज़ी बनाते हैं तो पहले की भी थोड़ी बहुत बची हुई होती है, एक से नहीं खाएंगे तो दूसरी सब्ज़ी खा लेंगे, लेकिन इसको खा लेते हैं बच्चे, इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, उसका घी से ना अलग इसका टेस्ट होता है। तो ये देखिए, तो मैंने कहा इसे अब अच्छे से काट लेती हूँ, और इसके छिलके विलके जो है ये सब जो है मोटे छिलके तो निकलते ही हैं इसके, तो मैंने कहा चलो इसे बाहर डाल देती हूँ उसमें कूड़े में डस्टबिन में। तो अब गाने वाने लगा रखे हैं, फ़ोन पे लगा रखे हैं, तो अब फ़ोन भी उठा के ले जाना है, कैसे ले जाना है, तो मैं इसे काट के कूड़ा वूड़ा फेंक के इसका उनका इसे काट लूँ। देखो कितना टाइट हो गया ये मुझसे कटने में मुश्किल आ रहा, पता नहीं गलेगा नहीं गलेगा। तो ये देखिए अब मैंने इसको जो है अच्छे से सही सही टुकड़ों में, एकदम बारीक भी नहीं एकदम बड़े भी नहीं टुकड़े, सही टुकड़ों में इसे काट लेती हूँ, तो जिससे आसानी से मतलब बन जाए। ये देखिए ऐसे करके इसमें मैं एक छोटा सा टमाटर भी डाल दूँगी, बस थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। थोड़ा टमाटर इसलिए मोटा मोटा डालती हूँ कि जिससे अगर मतलब मुझे अलग अलग छांटना हो ना बच्चों के उसमें न डालना हो तो वो अलग हो जाए, अगर मैं उसको बिल्कुल बारीक कर देती हूँ तो फिर मेरी सिरदर्दी है कि मैं बाप रे इतनी देर तक उस सब्ज़ी में से टमाटर को छांटूंगी, तो इसलिए मोटा मोटा डाल देती हूँ। अच्छे से उसमें टमाटर को डालने के बाद अच्छे से पकाती नहीं हूँ, क्योंकि वो मोटा मोटा रहता है तो टेस्ट तो सब्ज़ी में आ जाता है, लेकिन जो है उसको अलग करना बहुत आसान हो जाता है, उसको अलग करना अमला आसान हो जाता है, या फिर उसको फिर तुम पीस लो मिक्सी मिक्सी में डाल लो। अब इतनी थोड़ी थोड़ी सब्जियों के लिए क्या उसको मिक्सी को बार बार निकालना, अगर स्पेस हो ना, अगर रसोई बड़ी हो उसमें क्या है कि अपना एक तरफ मिक्सी लगा के रख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी कोई चीज़ हमें हमें मतलब कुछ करना है तो फटाफट किया और काम अपना शुरू कर लिया। अब लेकिन ये है कि मिक्सी को रखा हुआ है उसको निकालो बाहर, उसको सेट करो, फिर उसके मतलब निकालने के बाद उसके जार वगैरह उसी दम तुरंत तो सूखते नहीं है, और उसके बाद उनके सूखने का इंतजार करो, उनके मतलब वो सब फैला रहता है, फिर मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है ऐसी चीज़ों से। बस मैं तो ये सोचती हूँ कि जब कभी मेरा मकान अगर अच्छा हो जाएगा
उसके बाद ही जो है मैं मिक्सी विक्सी रखने का, इनका रखने का सबका भाई एक सिस्टम रहेगा कि हाँ ये यहाँ रखी रहती है, तुरंत अपना यूज किया, निकाला और मतलब रखी हुई है तो यूज किया और अपना काम किया फटाफट से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो घिया भी कट गया है हमारा बातों बातों में, और अब मैं इसको छोंक दूँगी आटा वटा तो गून के फटाफट से जो है इसे भी निकाल दूँगी। अभी दिन में इन्होंने जो है ना फिर वो आलू क्रंची बनाए थे तो वो कढ़ाई भी ऐसी रखी हुई है, तो मैंने कहा चलो इसमें कल को सब्जी वब्जी बनानी मुझे भिंडी भिंडी की, तो मैंने इसको ऐसे ही ढक के रख दिया। अब इसे कढ़ाई में तो बनाऊँगी नहीं, क्योंकि कढ़ाई में बनाऊँगी तो ये बहुत देर में गलेगी, तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जो है काटा था मैंने लहसुन, दो चार फांकी लहसुन की काटी है, थोड़ा जीरा डाल दूँगी, बस इसको मैं ऐसे ही छौंक लूँगी फटाफट से। इसमें मैंने प्याज व्याज कुछ नहीं डाला क्योंकि इसमें सादा जितना इसको मतलब सादे तरीके से बनाओ उतना ही अच्छा लगता है। लहसुन तो यह है कि आजकल थोड़ा सा लहसुन मोटे मोटा आ रहा है तो उसको छिलने में आसान होता है, जब बारीक बारीक आने लगेगा ना फिर लहसुन डालने में भी मतलब लगेगा कि आप लहसुन डालना भी बेकार है, तो आजकल अच्छा आ रहा है वो, तो दो तीन कली भी डाल दी तो उसके लिए बहुत है इतनी सब्जी में जितनी हमारी सब्जियाँ बनती हैं। तो ये सारा मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है, बस इसको सब मिला के अपने अपने स्वाद के अनुसार जो है नमक मिर्च डाल दो। मुझे लग रहा है वैसे कि इस घी को देख कर ये कम गलेगा क्योंकि इसे काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से 4-5 दिन तो हो ही गए मेरे घर में आए हुए। इसमें डाल दी मैंने मिर्च, हल्दी, नमक और ये सब थोड़ा सा धनिया वगैरह ये सब डाल के ये काम मेरा हो गया इसका। इसमें मैं ना थोड़ा सा जो है वो भी डाल देती हूँ क्योंकि उसमें नमक कम हो गया था, तो जो है इसमें से डाल देती हूँ नमक। और अब इसमें ना हींग डालना भूल गई, हींग का मुझे बाद में ध्यान आया कि हाँ हींग डालने, यहाँ दूध भी गर्म हो चुका है, शाम के टाइम दूध वाला आता है हमारा, तो शाम के टाइम का दूध भी मैंने गर्म कर दिया था, चाय वाय बनाने के बाद इसे गर्म कर दिया था। तो ये बस ये सब्जी वब्जी गई है छो, अब मैं इसका ढक्कन लगा निकाल के इसको लगा दूँगी इसमें। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पता नहीं इसमें पानी क्या कहीं ऐसा ना हो कि पानी ना छोड़े ये, क्योंकि घिया अधिकतर पानी छोड़ देता है, घिया हो गया कद्दू हो गया, लेकिन ये मुझे कड़ा सा लग रहा है तो इसमें मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसमें पानी मतलब ना छोड़े तो ये जल ना जाए। मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम सुखा सकते हैं, लेकिन नहीं जल जाएगा तो फिर क्या करेंगे। हो गया है मेरा खाना तैयार, ये लोग मतलब घी की सब्जी, दही, रोटी, आ जाइए आप लोग भी, और गर्मी बहुत हो रही है। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।